सो हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ द ब्लेंसर एक्स। गाइज आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ बेस्ट थीम ऑफ ओप्पो A3s। तो गाइज़ ये थीम बहुत मस्त है। तो गाइज़ ये थीम मैं पहले बता दूँ, मैंने थीम स्टोर से डाउनलोड करी है। तो गाइज़ एक कस्टमाइज्ड थीम है, तो मैं इसको आपको इसका पूरा प्रोसेस बताऊँगा। इसके लिए आपको कोई भी फ्री ट्रायल की ज़रूरत नहीं है, ये आप डाउनलोड कर सकते हो थीम स्टोर से, ओप्पो का जो थीम स्टोर है। उसके पहले गाइस वीडियो को लाइक कर दो, और आपने अगर अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर लो, लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप अपना सारे क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। तो गाइस जल्दी से मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ थीम कैसे लगी है और कौन कौन सी थीम्स आपके लिए हैं। और गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये थीम बता दूँ, ये देखो सबसे अच्छी मुझे आज तक की थीम यही लगी है ओप्पो के जो थीम स्टोर है उसमें। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से थीम स्टोर में आ जाते हैं। और यहाँ पे मैं मी में आ जाता हूँ, और यहाँ पे माई थीम्स में आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैंने ये थीम्स डाउनलोड कर रखे हैं। सबसे पहली थीम का नाम है मोशन ओएस। तो कैसे देख लो मोशन ओएस ये थीम है, तो यहाँ से आप मैंने इसको डाउनलोड कर लिखे, आप इसका नाम देख लो मोशन ओएस, मैं सबके नाम नीचे लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फिर दूसरी है स्टार रिफ्लेक्शन, ये भी काफ़ी अच्छी थीम है। और उसके बाद की ST, ये थीम है ST द SMOS, तो ये भी बड़ी अच्छी थीम है, जैसा कि आप देख ही सकते हो कि ये गाइज ये वाली थीम तो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ ये वाली थीम, तो गाइज़ सबके नाम मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइज़ अब मैं आपको बता दूँ, ये थीम जो है ये मैंने अप्लाई करी थी, इसका मैंने बस अभी लॉक स्क्रीन ला रखी है। तो गाइज़ मैं आपको पहले अपना होम का दिखाता हूँ कि कैसे क्या है। और गाइज़ ये थीम अभी गायब हो गई थी, तो इसका नाम मुझे मिला, तो मैंने सर्च मारा तो मिल गई मुझे। तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ, ये जो मैंने थीम बनाई है ये मैंने कैसे करी है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ये वाली थीम मिल जाएगी, वेरी सिंपल, आपको एक सर्च करना है, ये थीम है वेरी सिंपल, आपको सर्च करना है वेरी सिंपल। और यहाँ पे आपको इसके बस आइकन्स पे, बस इसके आइकन्स आपको अप्लाई करना है। और यहाँ से जैसे इसके आइकन अप्लाई हो जाएंगे, आप वॉलपेपर कुछ भी लगा सकते हो। और यहाँ पर लॉक स्क्रीन देखो, मैंने ये वाली लगा रखी है, तो इसके लिए तो आपको ये वाली, इसके लिए जो है आपको ये वाली थीम डाउनलोड करनी पड़ेगी, क्वालिटी लाइफ, तो ये वाली थीम है। इसके भी आइकन्स मस्त है, लेकिन छोटे थोड़े छोटे। और सबसे अच्छी आज तक की मुझे थीम लगी है स्टेरी, तो ये पूरी MIUI से इंस्पायर्ड थीम है। और पूरी इसका फ़ोटोज़ का और जो सेटिंग का और क्लॉक व्लॉक का जितने भी आइकन्स हैं सब एकदम मैच करते हैं MIUI 10 से, है ना। और ऐसी काफ़ी सारी थीम्स हैं। और यहाँ पर एक और थीम हमारे लिए है REFELACTION, ये तो Realme का जो अभी नेक्स्ट, मतलब Realme का Android 9 Pie का जो आइकन पैक आ रहा है एकदम उसी से मिलती है, उसके आइकन्स और इसके आइकन सब एकदम मैच मारते हैं ये Realme के तरह। तो गाइस इस बार ओप्पो ने काफ़ी अच्छे अच्छे थीम हमें प्रोवाइड कर दिए हैं। तो और गाइस ये थीम है ना, ये मुझे ये वाली थीम भी एकदम MIUI की तरह लगती है, और काफ़ी अच्छी थीम है। तो गाइस इन सब थीम्स की आपको लिंक मिल जाएगी, वो लिंक नेम नाम मिल जाएगा, नेम मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ आके सर्च करके सारी थीम्स को डाउनलोड कर सकते हो। और इतने ही था वीडियो में, वीडियो आज की अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तो बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।